तो आइए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, चंद्र गहना से लौटती बेर। आपने गांव की खूबसूरती को देखा है, खुले खुले खेत, झूमती फसलें, लहराते तालाब, चमकती चांदनी, चहकते पक्षी और प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल भी जाता है, किंतु कवि को का देखना औरों के देखने से अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है, वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और ऐसा आकर्षक बना देता है कि पाठक या श्रोता आनंदित हो उठते हैं। हमने और अब आपने भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी हैं, गांव के पोखर भी देखे हैं, वसंत का आनंद भी लिया है, लेकिन कवि ने जिस ढंग से इन दृश्यों को उतारा है वो बिल्कुल निराला है। ऐसा निराला कि कविता पढ़ते समय वे दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं, हमें आनंदित कर देते हैं। कवि ने कैसे उभारा है इन दृश्य को, आइए पढ़ते हैं कविता चंद्र गहना से लौटती बैर। अब हमसे वो पूछ रहा है कि हमने क्या गांव की खूबसूरती देखी है। तो हाँ, हमने मतलब पूछ तो नहीं रहा है, हमको बस बात करने जैसा बोल रहा है कि हमने आपने गांव की खूबसूरती देखी है। तो कितना खुले खुले खेत होते हैं, कितनी सुंदरता होती है, प्राकृतिक सुंदरता, और जो नेचर का जो एक ब्यूटी है वो हमारे सामने निखर कर आती है। और रात भी होती है तो एकदम सुंदर सी रात होती है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, और दिन में जो पक्षी चहचहाते हैं और प्रकृति का एक सुंदर दृश्य हमारे सामने आ जाता है, और जिसको देखकर हमारे मन को एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है और बहुत ही आनंद मिलता है। और इसके बाद बताया गया है कि हम नॉर्मली तो ये सब देखते हैं, खुश हो जाते हैं, फिर ये सब भूल जाते हैं, लेकिन कवि अगर जो देखता है तो उसका कवि का देखना किसी दूसरे से देखने, हमारे या आपके देखने से अलग होता है। क्योंकि कवि जब देखता है तो वो कोई छोटी सी चीज़ को भी सुंदर से वर्ड्स का सहारा लेकर उनको बहुत ही एक सुंदर रचना में तब्दील कर देता है और उस पोएम को एक अच्छे ढंग से बना देता है, जो कि हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हमें हर जो छोटी छोटी चीज़ हो रही है वो ऐसा लगता है कि जस्ट हमारे सामने ही हो रही है और हम उसको देख पा रहे हैं, और उसको देखकर हम ये सोच पा रहे, वाह ये कितना सुंदर है, या जो भी है। तो इस टाइप से है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कविता पढ़ने से वो सारी चीज़ें जो पोखर में पानी है या फिर कुछ और भी जितने भी चीज़ें हैं वो सब हम जब सुनते हैं तो हम भी वो हमारे सामने भी वो चीज़ें आ जाती है, तो हमारे अगर आंखें बंद करें तो भी उन सब चीज़ों की इमेज आ जाती है, तो फिर हम भी उस कविता के माध्यम से उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा खुश, हमें बहुत ज़्यादा आनंदित कर देती है, हमें बहुत हैप्पी कर देती है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि ऐसे ही एक कविता लिखी गई है चंद्र गहना से लौटती बेर। तो आइए अब हम ये कविता पढ़ते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर है यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सचकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए ये दू हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का अनुराग, अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कविता पढ़ते हुए यह आप जान गए होंगे कि इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि चंद्रगहना नामक किसी स्थान से लौटा है, लौटते हुए निर्जन खेतों में उसने प्रकृति के मोहक सौंदर्य के अनेक दृश्य देखे हैं और उन्हें अपनी कविता में चित्रित किया है। तो अभी ये हम जब पोएम पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है ये जो पोएम या राइम है वो प्रकृति और नेचर इन सब के बारे में लिखी गई है, और उसके वो कितना सुंदर है, उसमें कितनी ब्यूटीफुलनेस है, उसमें कितनी प्रिटीनेस है, उसको देखकर लिखी गई है ये कविता। और चंद्र गहना से लौटती बार इसीलिए है क्योंकि चंद्र गहना नामक जो स्थान है वहाँ से वो लौट रहा है इसीलिए, और बता रहे हैं कि लौटते हुए वो जो वहाँ पे जो खेत है उन सब को देखकर वो प्रकृति का सौंदर्य बयान कर रहा है, और हमारे सामने वो जो उसकी आंखों के सामने जो चित्रण है और उसकी आंखों के सामने जो चित्र है, जो इमेज है, वो हमारे आंखों के सामने क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है।
कविता के प्रारंभ में पहली ही पंक्ति में कवि मानव सूचना दे रहा है, मैं चंद्र गहना देख आया। लौटते हुए खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ वह खेत और उसके आसपास के दृश्यों को देख रहा है। सबसे पहले उसका ध्यान खेत में उगे हुए चने की ओर जाता है। चने के पौधे का आकार छोटा होता है, चने में गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं। कवि को लगता है ये छोटे से कद का बीते भर का चना अपने सिर पर गुलाबी पाग यानी पगड़ी बांधे सत्संवर दूल्हा सा खड़ा है। तो बताता है कि जो पोएम के स्टार्टिंग में हम जब पढ़ते हैं तो फिर हमको कवि बताता है कि वो चंद्र ग्रहण कैसे देख आया है और उसने क्या क्या देखा चंद्र ग्रहण में। तो वो जब वापस लौट रहा था चंद्र ग्रहण के जो शहर या गांव, एक्चुअली शायद गांव ही है, खेत में थे, तो वो उस गांव से जब लौट रहा था तो फिर वो देखता है कि मतलब एक जगह पे शायद रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। तो रेस्ट करते वक्त वो देखता है कि वहाँ पे अलग अलग टाइप के मतलब चीजें हैं और वहाँ पे एक चने का पौधा है। जो चने के पौधा है उस पे गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं। तो वो गुलाबी रंग के फूल वो जो चना होता है उसके ऊपर जस्ट आए हुए हैं। तो फिर उस ऐसा लग रहा है कि वो गुलाबी रंग के फूल उस चने की पगड़ी है और वो चना एक सजा और सवरा हुआ एक दूल्हा है और वो वहाँ खड़ा है। चना और अलसी दोनों एक ही खेत के पास पास खड़े हैं। अलसी का पौधा बहुत दुबला पतला और लचीला होता है, इसीलिए हवा से हिलता डुलता रहता है। कवि ने अलसी के तीन विशेषण दिए हैं, वह हठीली है, वह देह की पतली है और उसकी कमर लचीली है। वह पतली होने के कारण हिलती तो रहती है लेकिन तनकर सीधी भी हो जाती है। तनकर सीधी खड़ी रहती है इसीलिए हठीली भी है। उसके सिर पर कुछ बड़े गोल आकार की डोंडिया होती है जो फूलती है और उन्हीं में बीज बनता है। अलसी का फूल नीले रंग का होता है। अलसी को देखकर कवि को लगता है कि यह दुबली पतली लड़की है जो मचलती दिख रही है और मानो कह रही है जो मुझे छू लेगा मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी, उससे प्यार करने लगूंगी, उसी की हो जाऊंगी। हठीली होने के बावजूद वो प्यार के लिए लालायित है। हमें समझा कि जो चना है उसके जस्ट पास में एक अलसी का पौधा बहुत सारे होते हैं, दोनों खेत आसपास ही होते हैं। तो जो अलसी का पौधा होता है वो एकदम से उसकी जो स्टेम निकली होती है वो बहुत ही पतली होती है और बहुत ही सॉफ्ट टाइप होती है, तो वो लचीली होती है जो बेंड होती रहती है। तो उसने कहा कि कवि ने कि उसको तीन चीज़ें बताई गई है कि वो हठीली है, वो पतली है और लचीली है। और वो मतलब पतली तो है लेकिन वो हिलती डुलती रहती है इस हवा से क्योंकि वो पतली है, लेकिन कर सीधी भी खड़ी हो जाती है तो इसलिए उसको हठीली भी बताया गया है। और फिर उसका बताया ये कि वो उसके जो मतलब एक जो फू एक गोल आकार का उसके अंदर से निकला होता है बीज में, वहां से बीज बनते हैं। तो वो नीले रंग की है और अलसी को इतनी दुबली पतली है और एक मचलती लड़की की तरह है कि जो पतली सी एक लड़की का चित्रण दिया गया अलसी के साथ। और वो बोलती है कि जो मतलब ऐसा लगता है, असली में थोड़ी बोल रही होगी पर ऐसा लगता है उसको देखकर कि बोलती है जो मुझे छू लेगा मैं उससे प्यार करने लगूंगी और उसको अपना दिल दे दूंगी। और हठीली मतलब वो मतलब क्या बोल रहा है हसन गाना कि वो अड़कर रहती है उसके बावजूद भी उसको प्यार की जरूरत है और वो प्यार पाना चाहती है। और सरसों की ना पूछो, किसी के निरालेपन की बात करनी होती है तो हम बात ही शुरू करते हैं। अरे शोभा की ना पूछो, उसकी तो बात ही कुछ और है। या सलभ की बात ना पूछो, उस जैसा तो कोई है ही नहीं, इसी अंदाज में कवि कहता है। और सरसों की ना पूछो, सरसों अब सयानी हो गई है। सयानी होने का तीन अर्थ है, एक तो समझदार होना, दूसरा यौवन पा लेना और तीसरा चतुर होना। यहाँ सरसों के विषय में उसे सयानी कहकर कवि ने युवती होने की ओर संकेत किया है और बताया है कि वह विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शादी कर लेना। अब इसमें है कि सरसों की ना पूछो, अरे यार उसकी तो बात मत करो, ऐसे वो तो ऐसे ही है और जोरदार है वो। हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं किसी को, डर तो नहीं है मैंने अचानक बोला। हाँ तो फिर इस टाइप से जो उसे शोभा और सलभ का एग्जाम्पल देके वो यही बताना चाहता है। तो उसके बाद है कि सरसों की ना पूछो बोल रहे हैं, उसके बाद पूछता है कि वो पूछता तो नहीं बता रहा है कि वो अब सयानी हो गई और सयानी होने के तीन अर्थ दिए गए कि एक तो समझदार हो जाना,
एक समझदार यानी नॉलेजेबल पर्सन हो जाना, दूसरा होता है कि यंग हो जाना, और तीसरा होता है इंटेलिजेंट हो जाना। तो इसमें जो बताया गया है वो है कि वो यंग और शादी के लायक हो गई है, तो उसने हाथ पीले करवा, एक मुहावरा है हाथ पीले करना जो कि नॉर्मली हम सुनते ही हैं, तो फिर वो हाथ पीले करवाना यानी कि उसकी शादी करने योग्य, मतलब शादी करना, और वो भी शादी करने योग्य हो गई है क्योंकि सरसों धीरे धीरे पीली पड़ती जा रही है, तो इसलिए हाथ पीले करना उस हिसाब से भी कहा गया है। कवि ने सरसों के प्रसंग में ही हाथ पीले करने का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सरसों जब फूलती है तो पूरा खेत ही पीला हो जाता है। तो पीली सरसों ब्याह के मंडप में पधार चुकी है, वो गुलाबी साफा बांधे चना पहले से ही वहाँ गुलाबी साफा बांधे चना पहले से ही बैठा हुआ है। वह विवाह की हलचल में फागुन का महीना कैसे चुप रहता, वो फाग गाता हुआ आ पहुंचा है। फाग का गाना, चने का सजना, सरसों के हाथ विले करना, इन सब में एक दूसरे का हो जाने की ललक है। अब वो बोलते हैं कि वो जो कवि है उसने सरसों के लिए क्यों बोला कि वो हाथ पीले करना, कि जैसे ही मैंने बताया कि वो सरसों का जो पौधा है वो धीरे धीरे पीले कलर का, जब मतलब फूलता है तो पीले कलर का हो जाता है और पूरा खेत ही पीला पीला दिखने लगता है, तो उस संदर्भ में कहा गया है कि पीला हो जाना, और जो और सज्जना तो पहले से ही है वहाँ पे अपना गुलाबी साफा, गुलाबी जो फूल है उसका वो बांधे हुए, और ये सब जो विवाह जैसा एक वातावरण चल रहा है उसमें फाग का महीना कैसे पीछे रह सकता है, तो फाग भी आ गया अपना गाना गाते हुए, यानी कि फाग का महीना, फाग के महीने में जो फागुन के महीने में जो गाना गाते हैं वो फाग गीत होता है, तो वो फाग गीत गाते हुए आ जाता है। और ये सब जो चने का सजना, सरसों के हाथ पीले होना, इन सब में एक दूसरे का हो जाने की, मतलब वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब कोई सरसों चने का हो रहा है, चने सरसों का हो रहा है, फाग गीत इन दोनों के लिए का, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो ये इसमें इस टाइप का चित्रण दिया गया है और हमको ये फील के साथ ये बताया जा रहा है, इस फील के साथ। इस पूरे दृश्य में कवि को लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है, किसका, सरसों का। जिस प्रकार माँ विवाह मंडप में कन्या के ऊपर स्नेह भरे आंचल की छाँव करती है, उसी प्रकार यहाँ प्रकृति माँ ने की भूमिका निभा रही है। प्रकृति का अनुराग भरा आंचल हिल रहा है। अब प्रकृति का आंचल की बात की गई है कि जैसे ये एक विवाह का कार्यक्रम जैसा चित्रण दिया हुआ है यहाँ पे, और ऐसा बताया, तो जैसे एक कन्या जब शादी करने जाती है एक लड़की, तो उसके जो ऊपर जो आंचल डालती है माँ, उसी प्यार भरा, तो उसी टाइप का आंचल डाल रही है प्रकृति, और माँ की भूमिका निभा रही है, वो माँ बनी हुई है सरसों की, और वो अपने जो आंचल, ऐसा लग रहा है कि वो अपना आंचल लेके इधर उधर हो कर रही है। अब यह दृश्य कवि के मन को छू लेता है, उसे लगता है कि ग्रामीण अंचल में किसी नगर की अपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण है। नगर तो व्यवसायिक हो गए हैं, व्यवसायिक नगरों में प्यार कम उपजता है, ग्रामीण अंचल के भूमि प्रेम प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है। जैसे कि इस निर्जन अंचल में भी प्रकृति के चप्पे चप्पे में प्यार दिखाई पड़ रहा है। कि इस दृश्य में जो हम देखते हैं कि हमारे दिल को छू लेता है कि देखो कितना सुंदर है सब, और कितना अच्छा है सब, कितना प्यार भरा है सबके अंदर, और ये फिर इसके कंपैरिजन की गई है सिटीज से कि सिटीज में तो फिर वो इतना प्यार नहीं है और कोई किसी के लिए नहीं है और सब अपने जो प्यार है उसको एक बिजनेस बनाने पे तुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग बिजनेस नहीं बनाते और अच्छे से प्यार से रहते हैं, और इसी तरह के प्यार की चित्रण किया हुआ है, और बोला है कि यहाँ पे इस मतलब ऐसे नॉर्मल से एकदम ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, उस वैसी जगह पे एक छोटे से गांव में, लेकिन कितना प्यार है और हर जगह ही प्यार दिखाई दे रहा है। क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया, अलसी सरसों आदि वनस्पतियां हैं, किंतु कवि ने उन्हें मनुष्य जैसी क्रिया करते दिखाया है। चना पगड़ी बांधे खड़ा है, पतली कमर वाली अलसी कह रही है मुझे छुओ तो हृदय का दान दे दो। सरसों ब्याह मंडप में हाथ पीले किए बैठी है, फागुन फाग गा रहा है। जहाँ कवि जड़ प्रकृति और वनस्पति जगत को चेतन मनुष्य जैसा व्यवहार करते दिखाता है उसे मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण से कविता में सुंदरता आ जाती है, इसे ही मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। तब इसमें कि क्या आपने एक बात पे ध्यान दिया, ये जो सारी चीजें हैं वो अब हाँ मतलब लिविंग थिंग्स तो होते हैं प्लांट्स, बट स्टिल वो कुछ एक्चुअली में थोड़ी बोलते हैं या कुछ करते हैं, वो जस्ट हिलते रहते हैं नॉर्मली, वो जो स्टोमेटा से ब्रेथ लेते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो एक्चुअली में कुछ नहीं करते,
तो बात बात, लेकिन या पगड़ी में तो क्या सच्ची में कोई गुलाबी पगड़ी थोड़ी बांधी है, या हाथ पीले थोड़ी किए हैं सरसों ने, या सच में कुछ नहीं हो रहा है। बट उसका एक रूप दिया गया, इसको ऐसे मनुष्य की तरह बताया गया कि एक मनुष्य कैसे करता है, उसी तरह इन प्रकृति वाली चीज़ों को भी मनुष्य का रूप दिया गया है। तो इसे ही मानवीकरण कहते हैं, मानव से मानवीकरण बना है कि मानव की तरह बनाना यानी मानवीकरण करना। और इस मानवीकरण जो करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अभी देखो हम प्लांट्स के बारे में नहीं समझ सकते वो क्या फील करते, क्योंकि हमें लगता है कि वो फीलिंग हो सकता है वो फील करते हो, तो फिर उसको कैसे इंसानी तौर पे बताएंगे, तो वो हम उसको मानवीकरण कर देते हैं। तो हमको लगता है कि हाँ हम किसी मनुष्य के बारे में ही सुन रहे हैं, तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं। तो इसी मानवीकरण को मानवीकरण अलंकार वाले रूप में मानवीकरण अलंकार भी कहा जाता है। यहाँ मानवीकरण के अतिरिक्त एक और सुंदर विधान है। इस पूरे प्रकरण में एक विवाह के मंडप का रूपक है। विवाह के शुभ अवसर पर दूल्हा और उसके परिवार के पुरुष सदस्य गुलाबी पगड़ी बांधते हैं। लड़कियां सज संवर कर फूल लेकर अगवानी कर और छेड़छाड़ करती है। कन्या ब्याह मंडप में लाई जाती है और रात भर लोकगीत गाए जाते हैं। अब ऐसा है कि ये जो मानवीकरण है इसके साथ और भी क्या चीज़ें ऐड की गई है कि ये जो विवाह हो का रूप दिया गया है इसको, ये रूपक है। और विवाह के जो अवसर होते हैं उसमें दूल्हा और परिवार के जितने भी पुरुष सदस्य हैं होते हैं वो गुलाबी पगड़ी बांधते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो सज संवर कर यूं ही छेड़छाड़ हंसी मजाक करती रहती है, और कन्या ब्याह मंडप में लाई जाती है और रात भर गाने चलते रहते हैं, शहनाइयाँ बाजे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही टाइप का चित्रण हम इससे भी रिलेट करके सोच सकते हैं।